bijective or 1112 function. Bijective or 1112 function. देखो 1112 इसी का दूसरा नाम क्या है बाइजेक्टिव या बाइजेक्टिव को हम क्या कहते हैं 1112 इनका हिंदी होता है एक एक ही अच्छादक फलन हिंदी क्या होता है एक एक ही अच्छादक फलन तो देखिए ए फंक्शन एफ सच डेट ए टू बी इज सेट टू बी बाइजेक्टिव और 1112 फंक्शन इफ एंड ओनली इफ इट इज बोथ 1112 ये क्या हो गया डेट इज इफ एंड ओनली इफ यदि केवल यदि देखिए पहला पॉइंट क्या है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी यानी ए के भिन्न भिन्न अवयव का इमेज है भिन्न भिन्न क्या होना चाहिए प्रतिबिंब होना चाहिए उसके बाद है कि ईच एलिमेंट ऑफ बी ईच एलिमेंट ऑफ बी यानी बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी एलिमेंट का क्या हो इमेज हो समझ गया ना बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी एलिमेंट का क्या हो इमेज तो उसे हम क्या कहते हैं 1-2 नहीं कहते हैं जी तो ये आपको 1-1 का परिभाषा हो गया ये क्या हो गया 1-2 का तो वह फलन जो आपको क्या हो एक एक की और अच्छादक हो वह फलन जो एक एक की और अच्छादक हो उसे हम क्या कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं बोलो बाइजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं वह फंक्शन जो 1-1 और 1-2 हो उसे हम क्या कहते हैं बाइजेक्टिव आप बोलो बाइजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं वह फंक्शन जो 1-1 फंक्शन और 1-2 फंक्शन हो उसे बाइजेक्टिव आप बोलो वह फलन जो 1-1 और 1-2 हो उसे ही बाइजेक्टिव फलन कहते हैं आप बोलो बाइजेक्टिव किसे कहते हैं वह फंक्शन जो 1-1 और 1-2 हो उसे बाइजेक्टिव आप बोलो वह फलन जो 1-1 और 1-2 हो आप बोलो वह फलन जो 1-1 और 1-2 हो उसे हम क्या कहते हैं मतलब हिंदी में क्या कहेगा वह फलन जो एक एक ही और अच्छादक हो उसे हम क्या कहते हैं बाइजेक्टिव फलन समझ गया ना बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं हिंदी में क्या बोलोगे एक एक ही अच्छादक फलन कहते हैं आप बोलो परिभाषा आप बोलो वो फंक्शन जो 1-1 और 1-2 दोनों हो उसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं समझ गया ना तो जो फंक्शन आपको 1-1 होगा और क्या होगा 1-2 होगा उसे हम क्या कहते हैं देखो ये आपको 1-1 का डेफिनेशन हो गया ये आपको 1-2 का हो गया समझ गया ना ये के भिन्न भिन्न अवयव का बी में क्या हो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो तो उसे हम क्या कहते हैं 1-1 फंक्शन एक एक ही फलन कहते हैं ये के भिन्न भिन्न अवयव का बी में क्या हो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो उसे हम क्या कहते हैं एक एक ही फलन उसके बाद अच्छादक फलन किसे कहते हैं ईच एलिमेंट ऑफ बी यानी बी के जो प्रत्येक एलिमेंट है ये के किसी न किसी एलिमेंट का क्या हो इमेज हो तो उसे हम क्या कहते हैं 1-2 फंक्शन कहते हैं समझ गया ना इसका अर्थ ये हो गया कि बी में एक को एलिमेंट नहीं बचना चाहिए यानी बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए इमेज एग्जांपल के रूप में देखो अगर 2 सेट रहेगा ये आपका क्या हो गया ए ये क्या हो गया बी एस बी में क्या है फलन है ना ये एक्स वाई ये जेड हो गया ये क्या हो गया ए बी सी देखिए ए एक्स ए से रिलेटेड है और वाई बी से जेड किस से रिलेटेड है सी से है ना जी तो ये फंक्शन आपको क्या है इसे हम क्या कह सकते हैं 1-1 और 1-2 भी ना कह सकते हैं क्योंकि बी में देखिए एक को एलिमेंट है ऐसा बचा हुआ जो इमेज नहीं है सब एलिमेंट है ना तो इसे हम क्या कहते हैं 1-2 फंक्शन यानी ये फंक्शन जो आपको 1-1 भी है और 1-2 भी है तो इसे ही हम क्या कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन समझ गया ना वह फंक्शन जो 1-1 हो और 1-2 हो उसे हम क्या कहते हैं या 1-1 1-2 डायरेक्टली एक बार नाम ले लो 1-1 1-2 समझ गया इसको इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकता है तभी जो हम बताए थे ये फंक्शन एफ सजेट ए टू बी इज सेट टू बी बाइजेक्टिव या 1-1 1-2 फंक्शन समझ गया ना तो एफ इज बोथ 1-1 and 1-2 एफ क्या हो 1-1 भी हो और 1-2 भी हो इसको हम क्या कहते हैं बाइजेक्टिव उसे ही हम क्या कहते हैं यानी एक एक ही अच्छादक फलन कहते हैं तो आप तुम लोग मिस भी करेगा इसकी डेफिनेशन को
किसमें करेगा, मतलब वही फलन क्या कहलाएगा बायजेक्टिव, जो वन वन और वन टू होगा, यानी वन 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 टू जो फंक्शन हो उसे हम क्या कहते हैं बायजेक्टिव।